हूँ मंजीत और आप देख रहे हैं जीत न्यूज। आज हम मौजूद हैं कैथड़ में, जो कि बीजेपी का कार्यालय है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी के, उनसे राय लेते हैं कि इलेक्शन जो 2019 का लोकसभा का चल रहा है, यहाँ से इनके प्रत्याशी नायब सैनी हैं, उनके बारे में कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या उनकी राय है। नमस्कार जी। नायब सैनी जी के बारे में बताओ जी कुछ। किस बारे में जी? उनकी पीछे जो उन्होंने काम किया है मंत्री पद पर रहते हुए, उनके बारे में। माननीय श्री नायब सैनी जी बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो से हरियाणा में सरकार आई, उन पर मंत्रिमंडल का प्रभार मिला। पूरे हरियाणा से किसी भी कोने से उनके पास कोई भी कार्यकर्ता चला गया, उनसे पूरा मान सम्मान किया, पूरा सही रूप से ईमानदारी से उन्होंने कार्य किए और अब सबसे नंबर एक पे बहुत ज़्यादा मतों से वो जीतेंगे, सबसे आगे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको भी किस कारण से लोग उनको ज़्यादा वोट देंगे, ऐसा क्या कारण है? उनके खुद के व्यक्तित्व के तौर पर या ऊपर के आपके नेतृत्व के बारे में? उनका खुद का भी व्यक्तित्व अच्छा है, उनकी कार्यशैली अच्छी है, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका बोलने का, कार्यकर्ता से मिलने का, मान सम्मान का बहुत अच्छा कार्य रहा, उनका कार्यकाल रहा। और ये चुनाव मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है। देश हित के लिए पूरे देश की बच्चा बड़ा बूढ़ा मोदी 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 लहर इतनी है कि देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, हर वर्ग की अनेकों प्रकार की योजनाएं मोदी जी ने 5 साल बनाम 50 साल, जो कांग्रेस ने 50 साल में कार्य नहीं किए, वो मोदी जी ने 5 साल में कार्य किए। और इन 5 सालों का आप तुलना कहीं उस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कार्यकाल है उसके साथ भी करते हो? हाँ, अटल जी हमारे माननीय, उनकी जो सोच थी, उनकी जो नीतियाँ थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति, अंतिम लाइन का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति का व्यक्ति, हर गरीब के घर में चूल्हा जले, हर गरीब के घर में रोशनी हो, हर गरीब को रोजगार मिले, उनकी नहीं। क्या आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा काम हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, या उनके बराबर में या उससे कम? भारतीय जनता पार्टी एक सोच को, एक विचार को लेकर चली है, वही विचार उनसे हम सीख लेके आगे ये कार्य कर रहे हैं। वो भी उसी लाइन पर चले और आज मोदी जी भी उनकी लाइन पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है सबसे पहले राष्ट्रवाद। आज देख रहे होगे आप, चाहे अभिनंदन जी की बात हो, चाहे स्ट्राइक की बात हो, चाहे हमारे देश में हर प्रकार का, आज कोई जो भी भ्रष्टाचार के पैसे, काले धन के पैसे, आज चुनाव के समय आप देख रहे हो इतनी सख्ती है। पहले चुनावी माहौल होता था, गाड़ियाँ, ऑफिस, लूटमार, ये वो, आज आपको चुनाव में कहीं ऐसे दिख रहा है? और जो प्रत्याशी थे दूसरी पार्टियों के, वो आज तक तो जनता में आ ही नहीं पाए। क्या लगता है आपको, जो पिछली बार 2014 में जनता ने यहाँ पे मोदी जी पे विश्वास करके कुरुक्षेत्र की जनता ने उनके नुमाइंदे को चुन के भेजा था, क्या उसने ऐसा, आप कैथड़ के बारे में बताओ, यहाँ पे उसने एक स्पेशल कोई काम किया हो जी, कोई जो मतलब जिसको स्पेशल याद किया जाए आगे आने वाले टाइम में? कैथड़ की जनता जितने आज तक जो कार्य नहीं हुआ था, आप देखो, कैथड़ से चंडीगढ़ मार्ग 4 लाइन, फूलों का एमनेट पुल बनाने, अभी उन्होंने नीचड़ पुल था, और यहाँ कॉलेज बना, यहाँ जो बैंक स्क्वायर की बिल्डिंग थी एक ही जगह सारे बैंक। भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति कांग्रेस से बिल्कुल हटके है। वो एक बाथरूम बनाते थे कांग्रेस, उस पर 3 पत्थर लगते थे, यहाँ आज तक कोई व्यक्ति किसी भी जगह कोई शिलान्यास या कोई ऐसी जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक गांव का कार्यकर्ता भी जाके कहता है ये सार्वजनिक कार्य है, उसको काम किया जाता है पूरे गांव में, हर गली में, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे युवाओं की बात है। आप देख रहे हो, कभी सोचा भी नहीं था सपने में युवाओं को कि इस प्रकार की नौकरी हमें मिलेगी। अच्छा जी, आपके विचार? देखिए, जिस प्रकार का माहौल आज पूरे देश में है, 2014 में हमने जब चुनाव लड़ा था तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की हवा पर हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 साल के उनके कार्यकाल में जिस प्रकार की उनकी योजनाएं रही, चाहे वो विकास के कार्य रहे हों, चाहे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ी हो, आज हमारे पास विकास, राष्ट्रवाद और उनके साथ साथ मोदी जी की लहर भी है। हम दोनों तीनों अपनी बातें लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, बहुत सा उत्साह लोगों में है, बहुत सा जनता के अंदर इस प्रकार का जोश है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास जता करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में
बहुत अपना अमूल्य बहुमूल्य वोट देने के लिए तैयार। ऐसा क्या कारण था जी लोकसभा के चुनाव में 2014 में कैथल की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट करी और ठीक चार महीने बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को विधायक बना के जनता ने बीजेपी पार्टी को नकार दिया? देखिए, इलेक्शंस में हार जीत एक अलग मुद्दा है। जो नीति और जिस सोच से इलेक्शन बीजेपी सरकार या मोदी जी की जो सरकार इलेक्शन लड़ रही है मोदी जी के नाम से, वो एक अलग बात है। और एमपीज़ के इलेक्शन में मोदी जी की लहर थी, मोदी जी की जो नीतियों का मतलब जो उनकी नीतियों की सोच थी वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उन्हीं को वोट दिया। आज मोदी जी की नीति के साथ, मोदी जी के फैक्टर के साथ लोगों जो उन्होंने कार्य किए वो कार्य भी प्लस मोदी जी की जो लहर, वो दोनों चीज़ आप इस इलेक्शन में देख सकते हैं। और बहुत 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 बहुमत से 400 सीट से ऊपर हमारी सेंटर में सरकार 400 सीट से ऊपर लेकर सरकार बनेगी। पिछली बार जो स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा प्रचार ज़्यादा था, अब की बार उसके बारे में बिल्कुल वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिया उस नीति को, उसके बारे में जी आप? स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो जहाँ जहाँ जो निश्चित हुई हैं सिटीज़ वहाँ काम चल रहा है, और अब जो नेक्स्ट हमारी सरकार आने वाली है और उसमें और बढ़ चढ़ कर जो काम पेंडिंग हैं वो होंगे। एक नीति बनाई थी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसके बारे में विचार कर लेता हूँ बीजेपी पार्टी के दफ्तर में ही खासकर, कि नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो कहीं पर भी देश के अंदर सूखा नहीं पड़ेगा और कहीं पर भी बाढ़ नहीं आएगी, और उसके बारे में कहीं वो तो बिल्कुल ही खत्म ही बात होगी उसके बारे में, तो कभी ये ऐसा सोचा जा रहा था कि कभी बीजेपी की दोबारा सरकार आएगी तो इस नीति को जरूर लागू किया जाएगा, देश को एक इससे बहुत उम्मीद थी। देखिए, इतने ज़्यादा इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं कि हम एक ही काम को बार बार, उस काम को आप रिपीट नहीं कर सकते। काम तो उस नीति के उसके तहत नहीं, वो एक काम वो तो शुरू भी नहीं हुआ था, एक नीति बनाने की सोची थी, एक नीतियों पे चलता है, मतलब वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था काम, लेकिन बस एक सोच थी भी शायद वो नीति पे काम किया जाए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, जो कमी रह गई होगी वो, क्योंकि जो 70 साल में नहीं हुआ वो देखिए 5 साल में काम करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं क्या, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं कि मोदी जी के 5 साल में, 70 साल में जो कार्य नहीं हुए वो 5 साल में कार्य हो गए। तो कुछ कमी रही भी होगी, कुछ काम में पेंडिंग रहे भी होंगे, वो आगे आने वाले समय में होंगे। ठीक है जी, आप में से यहाँ पे कोई पदाधिकारी है या कैसे कार्यकर्ता? मैं पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, सहरे मंडल अध्यक्ष बीजेपी का। नमस्कार जी, आपकी राय जी कुछ पार्टी के बारे में? ऐसे ज्यादा हम कुछ जानते नहीं, लेकिन बीजेपी जीतेगी मानते इतना पता है। अच्छा, हाँ बस और पता नहीं, थोड़ी बहुत ही वोटा जीतेगी कितना? ज्यादा वोटा जीतेगी जी, मुकाबला एक और कुरुक्षेत्र सीट पर। तो अच्छा जी, प्रधान जी आप हमारे चैनल पे आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका जी, आपने हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, आपने हमें मौका दिया अपने विचार रखने का। जीत न्यूज चैनल है जी मेरा, और इसको जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे फेसबुक पेज पे इसको देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।